हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। यूपी के बलरामपुर से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बलरामपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। जिले के हरैया थाना क्षेत्र निवासी भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण प्रसाद शुक्ला बाइक से जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर से उनकी बाइक में टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया। हालांकि पहले तो ये हादसा लगा, लेकिन जब ट्रैक्टर चालक ने बाइक से दोबारा टक्कर मारी तो भाजपा कार्यकर्ता अपनी जान बचाने के लिए धान के खेतों में भागने लगे। ऐसे में उन्हें खेतों में दौड़ता देख ट्रैक्टर चालक उनका पीछा करने लगा और आखिरकार दबंग ने उन्हें रौंद कर मार डाला। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रैक्टर लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन इसी बीच फसल की वजह से उसे गड्ढा नहीं दिखा और ट्रैक्टर गड्ढे में गिर गया। ऐसे में आरोपी ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर फरार निकला। घटना की सूचना मिलते ही मोहलूपुरवा, भड़साहिया व बंदीडी सहित दर्जनों गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। वहीं मृतक भाजपा कार्यकर्ता के शव को भड़साहिया बाजार में रख स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण वहां जाम लगने से राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उक्त घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर चार थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रही। हालांकि काफी मान मनोवल के बाद हरिया सतघरवा थाने पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आपको बता दें कि धान के जिस खेत से भाजपा कार्यकर्ता केपी शुक्ला का शव बरामद हुआ है, वहां की फसल ट्रैक्टर से रौंदी हुई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर चालक उनकी हत्या करने के लिए ही आया था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि केपी शुक्ला भाजपा के कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र संयोजक थे। वे भड़सिया से अपने गांव बल्दीढ़ी जा रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार मृतक कृष्ण प्रसाद शुक्ला को जब ये महसूस हुआ कि महज दुर्घटना नहीं है बल्कि उनके हत्या का प्रयास है, तो उन्होंने सड़क से उठकर पास के धान के खेत में भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को सड़क से खेतों की ओर मोड़ दिया और खेत में दौड़ाकर उन्हें ट्रैक्टर से कुचल उनकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता की मौत का जो भी कारण रहा हो, उसकी तह तक जाया जाएगा और पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।